हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महेश भाई पवन तिवारी में। तो आज हम लोग देखें एसएससी सीएचएसएल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज करेंगे सेट नंबर 16। और देखिए, ये क्वेश्चंस केवल सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर आपने पूरे 15 वीडियो देखे हैं और साथ में उसके तीन टेस्ट भी मैंने डाल रखे हैं इसी प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, सीजीएल प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 2020 में होगा, सीपीओ 2020 जो आपका होगा प्री जिसे कहते हैं, जैसे 50 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट जिसके लिए ऑलरेडी ये सीरीज़ चल रही है। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप अपने आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जरूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को। और टेलीग्राम देखिए चैनल जो मेरा है वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और आई बटन पे मैं वीडियोस लगा देता हूँ अपने अच्छे अच्छे वीडियोस, तो आप लोग वहाँ से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है। तो आपको पता है कि पिरामिड किस तरीके का होता है? कुछ इस तरीके के होता है। ठीक है, एक ऊपर पॉइंट होता है 3D में। ठीक है, जैसे आप विजुलाइजेशन से अपना इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, विजुलाइज करो उसको। ठीक है, और इस तरीके से होता है, एक ऊपर पॉइंट होता है, इस तरीके से पिरामिड बनता है, ये इसका बेस होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके आधार के समांतर, जैसे अभी इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ये 18 है और उसकी ऊंचाई 27 है। ठीक है, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी। आगे पढ़िए क्वेश्चन को, लिखा हुआ है कि पिरामिड इसके आधार के समांतर 2/3 भाग में काटा गया। मतलब तीन भाग में काटा गया, बिल्कुल वैसे ही काटा गया जैसे शंकु को काटा जाता है, क्योंकि शंकु भी अपने आप में एक पिरामिड है। तो उसको जब तीन भागों में काटा जाता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है। और अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने टॉपिक वाइज भी वहाँ पर पढ़ा रखा है, उसमें मैंने प्रिज्म और पिरामिड दोनों पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ऊपर वाले का जो वॉल्यूम होता है वो एक होता है, इस पूरे का वॉल्यूम 8 होता है, क्योंकि ये दो हाइट, क्योंकि ये हाइट क्या होगी, एक एक और एक में डिवाइड होती है, तो पूरी हाइट ये कितनी है, 2, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 8। तो केवल इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 7। अब पूरे की हाइट कितनी है, तो 3 हो जाएगी, तो पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा, तो ऊपर वाला 8 घटा दोगे तो इस वाले पार्ट का, इसको अगर मैं दूसरे कलर से कर दूँ, इस वाले पार्ट का जो सबसे नीचे वाला, तीन पार्ट है ना, सबसे नीचे वाले पार्ट में 27 में से 8 को घटा दोगे तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि रेशियो कितना आ रहा है, हर पार्ट का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो है 1:7:19। ठीक है, 1:7:19 का रेशियो है, वही चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पर, 1:7:19। ठीक है, अब देखिए आपको पूरे पिरामिड का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर रेशियो में पता है कि 27 वॉल्यूम है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 बेस एरिया। तो बेस एरिया कितना है, देखिए वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी, 18 है, तो 18 × 18। ठीक है, और इंटू में क्या होता है, हाइट, हाइट कितनी है, 27 कैंसिल आउट, 3 से चला जाएगा 6 बार, 1 की वैल्यू आ चुकी है आपकी 16 × 18। ठीक है, अब आपसे सबसे लास्ट में क्या पूछा गया है कि सबसे ऊपरी और सबसे नीचे के भाग के आयतन में क्या अंतर है। तो अगर आप रेशियो में जाकर देखो तो 1 और 19 है, तो इनका अंतर कितना आएगा, 18। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 18 की, तो इधर 18 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 × 18 हो जाएगा। अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि 6 × 324, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, मल्टीप्लाई मान लो 6 × 24, 2 × 6 = 12, 2 × 14 = 1, और 3 × 18 = 19, तो 1944 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, बहुत सिंपल सा फंडा है। जिसको पिरामिड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो पिरामिड को देखने के लिए क्या कर सकता है, टॉपिक वाइज वीडियोज प्लेलिस्ट में जाके, टॉपिक वाइज वीडियोज़ में जाकर पिरामिड और प्रिज्म को देख सकता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो तीन वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, लिखा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, सबसे पहले एक वृत्त बनाओ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, इतना बड़ा, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है, 22 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं एक दूसरे को लंबवत खींची हैं। इसका मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये आपका सेंटर रहा होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जीवा पर जब केंद्र से लंब डालते हैं, ठीक है, तो वो किस में करती है, बाइसेक्ट होती है। अगर ये 22 है, ये वाली मैं 22 मान लूँ, तो ये कितनी आ जाएगी, 11। ठीक है, इस पॉइंट से 11 हो जाएगी, ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है, इसी प्रकार उसको मैं यहाँ पर ऐसे जोड़ लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लंब डाल दूँ,
तो ये कितना हो जाएगा, या भाई पूरी 32 है तो ये 16 और 16 में डिवाइड होगी, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से ऐसे करके एक तरीके से थोड़ा सा मिला लेते हैं इसको, रेडियस को, ठीक है। ये रेडियस है, अब आपको पता है रेडियस कितनी दी गई है, 20, ठीक है, और ये भी 20 हो जाएगी। अब आप अगर इसमें पाइथागोरस लगा दो, केवल पाइथागोरस लगाना है आपको, ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको, इस वाले में ये 20 है कर्ण, 11 क्या है आधार, तो लंब निकल जाएगा। 20 के स्क्वायर में से क्या घटाना है केवल आपको, 11 का स्क्वायर, तो 400 में से जाएगा 121, तो आपको क्या मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, 279, ठीक है, 279 मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये आपकी जो लाइन है ना, ये वाली, ये कितनी आ गई, 279, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, अगर छोटा हो गया है तो ये 279 आपको दिख गया, तो अब आपको पता है कि ये भी 279 हो जाएगा, अंडर रूट 279 होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, ये वाला पार्ट, तो ये 20 है 16 है, तो ये तो सिंपल है, ये क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, क्या जाएगा, 12। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आप क्या करो इसको, आपसे ये तो पूछा गया है, आपसे ये चीज़ पूछी गई, ठीक है, कि इन जीवाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु के बीच की दूरी केंद्र से, तो केंद्र से जीवा के प्रतिच्छेदन बिंदु के बीच की दूरी ये है। अब अगर मैं इसको बाहर ऐसे लिख लूँ, तो ये आपको 12 पता है, ये आपको अंडर रूट 279 पता है, आपको ये निकालना है। तो अब आपको पता है कि ये कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको x मान लूँ, या नहीं मानता हूँ पर समझाने के लिए मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 279, बस ऐड कर दो, 9 4 13 के 3 लगा 1, 7 4 11 के 12 के 2 लगा 1, तो 1 3 1 4 423, और ये आ रहा है 9 का मल्टीपल, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट के अंदर रहेगा ना x की वैल्यू, तो 9 इंटू, ठीक है, 9 गुणे कितना आ रहा है, 9 4 36, 9 7 63, तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि 9 बाहर आ जाएगा, तो 3√47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, इसको रिवाइज़ भी करिए, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन देखिए आपको क्या करना है, कि एक लकड़ी का बना एक पेन स्टैंड घनाभाकार है, मतलब एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इसमें पेन रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे हैं, ठीक है, और घनाभ के आयाम क्रमशः, आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, 13, 12 और 3.5 सेंटीमीटर है, और गड्ढे की त्रिज्या आपको दी गई है, गहराई दी गई, मतलब आपको शंकु का आपको क्या हाइट दी गई है और उसकी रेडियस भी दी गई है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आयतन बताइए। देखिए बचा हुआ आयतन निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि टोटल में से आपको क्या घटा देना है, जो भी उसके अंदर गड्ढे वड्ढे कर रखे हैं वो उसका वॉल्यूम लेके आपको घटा देना है। यहाँ पर प्रॉब्लम आपको तब होती जब आपको यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ आप लोग खुद से निकाल कर ट्राई करिएगा, ठीक है, अब सवाल में तो पूछा नहीं गया तो मैं तो नहीं बता सकता आपको, बट संपूर्ण पृष्ठ निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, और वॉल्यूम निकालना बहुत आसान होता है। केवल आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वो कितना आ जाएगा, 13 × 12 और × 3.5, इसमें से आपको घटा देना है 4। अब देखिए 4 शंकु हैं, तो 4 शंकु कर लेता हूँ, और एक शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr² r² × h, h कितना है, 1.4, ठीक है। अब 1.4, और चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा लास्ट में आके चिपक गया है, 1.4 दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 × 5 = 60, 6 × 12 = 36, 6 = 42, तो यहाँ से 42 आ गया आपका, और 12 × 5 = 6 × 36 = 42, ठीक है। अब इसका 13 का 42 में कर दो, 13 × 2 = 26, 2 = 546 आ गया, घटा दो, अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या आपको कट रहा हुआ दिख रहा है, कि मुझे दिख रहा है 22 × 5 = 110, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का 0 हट जाएगा, 14 × 5 = 70, तो यहाँ पे मुझे 0.7 आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 0.1 आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर आ जाएगा 11 × 44 और 4.4/3, तो 546 में से आपको घटाना पड़ जाएगा 3 × 3 = 12 और 3 × 18 1.46 मान लो, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 544.54, ठीक है, 544.54 के अप्रोक्स आ जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज इस क्वेश्चन की अच्छी थी। इस क्वेश्चन पर देखिए ध्यान से, 2 साइकिल सवार हैं, ठीक है, 2 साइकिल सवार हैं एक्स और वाई, जो ए से चलना शुरू करते हैं, इनकी स्पीड क्या है, 6 और 8, मतलब 6 स्पीड अगर x की है
तो वाई की है 8 स्पीड, बी की ओर जा रहे हैं, ठीक है, बिंदास जा रहे हैं, यात्रा के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद वाई, तो कौन रुक रहा है 15 मिनट, वाई रुक रहा है, ठीक है, वाई रुक रहा है 15 मिनट, ठीक है, एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि एक तो 15 मिनट रुक रहा है और 10 मिनट और जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब इसमें और प्लस 10 करना पड़ेगा, तो टोटल जो वाई है वो 25 मिनट जल्दी से पहुंच रहा है। तो अगर ये रेशियो आपको वेलोसिटी का दिया गया है, ठीक है, जैसे हम लोग 3:4 भी लिख सकते हैं, 6 और 8 को काटोगे तो 3:4 का रेशियो है। अगर मैं बात करूँ टाइम के रेशियो की तो वो आ जाएगा 4:3 का रेशियो, ठीक है, आप सभी को पता है वेलोसिटी का उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो। अब आपको पता है कि इनके बीच का टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 मिनट तो रुक रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो टोटल डिफरेंस 25 मिनट का जो वाई है वो 25 मिनट की लीड पर चल रहा है, ठीक है, तो टोटल डिफरेंस कितना है 1, और 1 बराबर क्या है 25, ठीक है, 1 बराबर क्या है 25, आपसे पूछी गई ए और बी की दूरी, तो आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 3 में कर सकते हो, आप 4 में भी कर सकते हो, तो मैं 4 में कर लेता हूँ, तो 25 चौको कितना आ जाएगा 100 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 मिनट आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी थी 6 की थी, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बराबर 6 × 100 और बटे में क्या 60 करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट में था तो घंटे बदलना पड़ेगा, तो 6 × 60 और 10 से 10 तो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर। इसके ऑप्शन नहीं थे तो आंसर आप लोग अपना मैच कर सकते हो, आंसर है 10 किलोमीटर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन ये भी मैंने थोड़ा सा अच्छा लिया है और दोनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के देखे, और कुछ लोगों को ईजी लग सकते हैं तो नो डाउट आपको इजी लग सकते हैं, आपका मैं आपका ये टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छा होगा तो बिल्कुल सिंपल लगेंगे। इसमें देखिए क्या करना है, क्योंकि रेशियो से मुझे करवाने थे तो कुछ लोगों को नहीं आते हैं वो चीज़, तो मैंने उनको समझाने के लिए क्वेश्चंस लिए थे। इसमें आपको देखिए 198 किलोमीटर की दूरी आप तय कर रहे हो, ट्रेन जो है कार की तुलना में इतना तेज़ी से चलती, तो मैं लिख लेता हूँ ट्रेन कार, यहाँ पर वेलोसिटी, और आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है, इसको लिख सकते हैं 1/7। तो अगर कार की स्पीड 7 है तो ट्रेन की स्पीड 8 है, इसमें लिख रखा है कि ट्रेन कार की तुलना में इतना ज़्यादा है, तो अगर 7 स्पीड कार की है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 8। तो टाइम का यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, टाइम, इसे टाइम तो स्मॉल टी से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8, उल्टा हो जाता है। अब आपको पता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 16.5 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 1 का, तो 1 की चीज़ कितनी आ जाएगी 16.5, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 48, 4 = 52, 5 8 × 8 = 13, तो 132 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा फिर से देखो वही चीज़, 132 मिनट आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, कार की चाल पूछी गई, अब आपको समय पता है, कार का समय पता है और आपको टोटल डिस्टेंस पता है, तो वेलोसिटी निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, 198, ठीक है, कार की स्पीड मैं निकाल रहा हूँ, सी वी लिख लेते हैं, कार की स्पीड 198/132 और अपॉन में 60 आएगा, 132/60, ठीक है, घंटे में चेंज करेंगे तो वो 60 ऊपर चला जाएगा, काट दो इसको, 6 × 12, 6 × 12, 6 × 60 और 2 × 5 = 10 और ये 2 = 11, 11 × 11 = 88 और 18 × 5 = 90 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, ये भी प्यारा सवाल है, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, प्री लेवल का सवाल है और मेंस में भी ऐसे कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, सारे क्वेश्चंस मेंस के अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हिंदी में है तो परेशान मत हो इंग्लिश वाले, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है। पिरामिड तो पिरामिड ही होता है, ठीक है, पिरामिड का जो बेस है वो क्या है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपको पता है कि पिरामिड का जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारी भुजाएँ सारी साइड्स की इक्वल होती हैं, ठीक है। अब आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया गया है, ठीक है, इसको अच्छा बना देते हैं थोड़ा सा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर मैं x मान लेता हूँ तो आपको एरिया दिया गया है 16√3, तो आप क्या लिख सकते हो, √3/4 साइड का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8, ठीक है, इसका मतलब है कि 8 भुजाएं, ठीक है, एक चीज़ समझ में आई आपको। अब इतना मैं हटा देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ है करने के लिए, तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चल गई है 8, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा, उसके किसी एक पार्श्वीय फलक का, एक लेटरल सरफेस का एरिया जो है आपको दिया गया है। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर पॉइंट ये मान लूँ तो इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, इसमें कितने हैं, 3 सरफेस हैं, 3 लेटरल सरफेस है इसमें, तो एक सरफेस का आपको एरिया दिया गया है, ठीक है। एक सरफेस का एरिया कितना दिया गया, 30। आपको पता है कि ये जो होती है लेटरल हाइट होती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा उसको साफ बना के मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से ये, और यहाँ से ये हाइट है, ठीक है, और ये हाइट, और इसको एक मत मान लीजिएगा थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखिए, दो क्वेश्चन मैंने पिरामिड के ले लिए, अगर आपको पिरामिड अच्छे से नहीं आता है तो आप टॉपिक वाइज में जाके, प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज वीडियोज़ में पिरामिड और प्रिज्म को अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर मैं यहाँ पे बेस की बात करूँ, ये आपको पता होना चाहिए, होता है ए अपॉन 2√3, ठीक है। ये आपकी हाइट है जिससे आप लोग लेटरल हाइट बोलोगे, पिरामिड की लेटरल हाइट आपको निकालनी है, नहीं आपको हाइट निकालनी है एक्चुअली में, लेटरल हाइट आपको पता चल जाएगी कैसे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इसका आपको एरिया दिया है कितना, 30। एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 8, और ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये वाली, ये क्या एच लिख लो आप, फिलहाल फिलहाल के लिए लिख लो ये लेटरल हाइट है, ठीक है, 30, तो 2 से कट जाएगा 4, तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 15/2। आपको एक्चुअली में क्या निकालनी है, इस पिरामिड की हाइट निकालनी, इसे हम लोग कैपिटल एच बोल सकते हैं। अभी आपने जो निकाली वो ये वाली हाइट निकाली, लेटरल हाइट निकाली है, ठीक है। बेस क्या मैंने बोल रखा है, ए अपॉन 2√3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, एक ए मतलब क्या है, साइड, जो 8 आई थी, ये ए मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, तो 8/2√3, जिसे आप बोल सकते हो 4/√3, ठीक है। अब आप समझ चुके हो कि आपको कैपिटल एच निकालना है, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ चीज़ों को, ऐसे बना देता हूँ। अब आपको स्मॉल एच पता है जो कि आ चुका था 15/2, आपको ये पता है कितना आ चुका था, 4/√3, अब आपको निकालना है कैपिटल एच, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा जब आप पिरामिड पढ़ते हो, और अगर आपको नहीं सही से आता तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि टॉपिक वाइज में जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा केवल आपको पाइथागोरस लगाना है, लगा दो, ये हो जाएगा 225/4, में से घटा दोगे 16/3, तो आपको एच स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा आपको 675 में से घटाना पड़ेगा 64, अपॉन में आ जाएगा 12, जो कि एच स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 611/12, और ये लग जाएगा रूट जब आप केवल एच निकालोगे, तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, और ये सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन था, इवन प्री में भी आ सकता है, ठीक है। ये भी देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको ट्राई करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है टाइमिंग, कितना फास्ट आप कर सकते हो, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, इसको मैं बिल्कुल बेसिक से करवाता हूँ। 1+, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये √1+x और √-1-x क्या आएगा, फिर हम लोग पुट कर लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, √1+x और x क्या है, √3/2, जो ये आएगा उसमें माइनस लगा देंगे तो हम लोगों को √1-x मिल जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करो तो क्या हो जाता है, 2+√3/2, यही आ जाएगा। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाता है, 4+√3/4। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि नीचे का जो 4 है वो 2 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकते हो तुम √3+1 होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, √3+1 होल स्क्वायर लिख सकते हो, रूट के बाहर आएगा तो बन जाएगा √3+1/2। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, या मैं कहूँ कि इसको सॉल्व किया √1+x को, तो आपको मिला √3+1/2। जब आप माइनस वाले को करोगे तो आपको मिलेगा √3-1/2। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तो 1+√3/2 upon 1+√3+1 था ना by 2 plus 1-√3/2, और ये आप बहुत फास्ट कर सकते हो। मैं तो फिंगर से कर रहा हूँ तो वो धीमे हो रहा है, नहीं तो आप पेन से करोगे तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3-1/2। अब आपको पता है कि ये 2 यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे 2+√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3+√3, क्योंकि ये 2 यहाँ पहुँचेगा इस जगह पे, और 2 1 3 बन जाएगा, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2-√3, और ये क्या पहुँच जाएगा, 2 1+2+1 3-√3। अब केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड करना है, तो मैं सीधे कर रहा हूँ, इसका पूरे का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6+3√3, और यहाँ पे हो जाएगा -√3, और ये हो जाएगा -3, फिर आगे प्लस का, ये 6 हो जाएगा, ये 2√3 से माइनस का 3√3 आएगा, तो -√3 हो जाएगा,
टू रूट थ्री से माइनस का थ्री रूट, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का थ्री, ठीक है। और कुछ दिख रहा है आपको होता हुआ? अब देखिए ये टू रूट थ्री और ये रूट थ्री मिलकर क्या बनेगा, माइनस का थ्री रूट थ्री, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये तो छः से छः कट गया पूरा यार, ये क्या हुआ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने? ओके ओके ओके, ये एक्चुअली ये तीन तीन और ये छः से कट जाएगा, ठीक है, ये केवल छः बचेगा, ऊपर बचेगा छः और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो नौ में से तीन का छः, तो यहाँ पे नीचे भी छः बचेगा और छः में से छः जाएगा तो एक आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिख दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था, एक था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हिंदी में, कुछ क्वेश्चन हिंदी में मेरे पास पहले के पड़े हुए थे तो मैंने उनको चेंज नहीं किया और उनका इंग्लिश नहीं था मेरे पास, तो मैं आपको समझा देता हूँ। किसी वस्तु का विक्रय मूल मतलब किसी का सेलिंग प्राइस जो है वो उसके सीपी से 32% मोर है, मतलब कि अगर आपके पास सीपी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपको तीनों चीज़ दी जाए तो आप हमेशा इसको ऐसे लिखो कि अगर आपके पास ये 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 132। वस्तु के अंकित मूल्य पर मतलब जो मार्क प्राइस होता है उस पर अगर जो डिस्काउंट है वो 12% है, तो अगर मार्क प्राइस 100 है तो ये कितना रहा होगा, 88 रहा होगा, 12% की डिस्काउंट है, 88 की वैल्यू कितनी दी है ये, तो मैं कह सकता हूँ कि 8 से अगर मैं काट दूँ तो 8 एक कम 8, सॉरी 8 से मत काटो, 11 से काटो, तो 11 8 88, 11 कम 11 11 दूनी 22, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 तई 12, 100 की वैल्यू चाहिए तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 की वैल्यू आ जाएगी 150, तो एमपी कितना आ जाएगा 150, बहुत आसानी से आ जाएगा। लागत मूल और अंकित मूल मतलब आपको सीपी और एमपी का रेशियो पूछा गया, इसका रेशियो तो 2:3, तो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी मैंने रख दिए बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। और ये देखिए टीयर वन में आते हैं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है यार कि टीयर वन में आता नहीं, अगर आपको आता है तो अच्छी चीज़ है, टीयर वन में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए कि इनको 15 सेकंड या 10 सेकंड में इनको उड़ा दो, ठीक है, इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन 15 सेकंड में बन रहा है तो आप सही जा रहे हो, अगर आप 50 सेकंड इस क्वेश्चन को करने में ले रहे हो तो आप गलत जा रहे हो, ठीक है। तो यही मैं कहता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन आपको आता जरूर होगा, आप घर में बैठ के इसको 50 सेकंड में कर लोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में बनाओ, ठीक है। अब मैं आपको बता नहीं सकता 15 सेकंड में, क्योंकि बता दूंगा तो फिर कुछ लोगों को झिलेगा नहीं, ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए आराम आराम से करते हैं। ए किसी कार्य को मतलब ए क्या कर रहा है कि 1/3 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि पूरे काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में, तो मैं 45 लिख लेता हूँ ए को, ठीक है। बी क्या कर रहा है, 75% मतलब 3/4 को कर रहा है 18 दिन में, तो मैं कह सकता हूँ तिछंग 18, तो पूरे एक काम को 24 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर 24 लिख लेते हैं, ये बी का है, ये ए का है। अब बचा सी, सी क्या कर रहा है 36 दिन में, तो सी का तो पूरा 36 ही दे दिया गया। अब देखिए आपके ऊपर ये है कि आप इसका एलसीएम कितनी तेज निकाल सकते हो, तो इसका एलसीएम मुझे दिख रहा है 360, क्या दिख रहा है मुझे 360, आपको दिख रहा था क्या? तो अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा तेज कर रहा है एलसीएम सी का, अब आप बच्चे नहीं रहे कि आप 2 का डिवाइड करो फिर 3 का डिवाइड करो, ठीक है। 40 दूनी 90 चौको मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा, 24 से कम 24 पंचे 120, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 36 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई, इफिशियंसी रेशियो है, ये डेज है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी और सी ने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, तो बी और सी की इफिशियंसी टोटल कितनी है 25, 8 दिन तक काम किया तो कितना काम कर लिया होगा, 200 काम कर लिया होगा, ठीक है। कितना काम बचेगा, 160 काम, 200 हो गया, 360 में से घटा दोगे, 160 काम बचा है, कह रहा है ये अकेला कितने दिन में करेगा, 8 इफिशियंसी है, करवा दो इससे, तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो क्या आप इसको 15 सेकंड में बना सकते थे, ये आपका टास्क है, इसको 15 सेकंड में बना के देखिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि डिपेंड करता है कि ये सिलेंडर वाला है, हॉलो सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, तो ये हॉलो सिलेंडर क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि आप क्या कर रहे हो, एक सिलेंडर को एक क्यूबॉइड में बदल रहे हो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ, 2.8 मीटर रेडियस है, 15 मीटर हाइट है का कुआं खोदा जाता है, इसका मतलब है कि एक सिलेंडर, आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आप इक्वल करोगे, निकली मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़ा, मतलब ब्रेथ आपको 8 मीटर दी गई है, हाइट आपको 1.5 मीटर दी गई है, आपसे लेंथ पूछी है, तो इसका मतलब है कि आप LBH को इक्वल कर रहे हो पाई आर स्क्वायर, उसको मैं कैपिटल एच लिख लेता हूँ इसके, ठीक है। एल कितना दिया गया नहीं पता है आपको, बी कितना दिया गया आपको 8 दिया गया है, और हाइट कितनी दी गई आपको 1.5 मीटर दी गई है,
पाई की वैल्यू में रख देता हूँ 22/7, जैसा कि आपसे यहाँ बोला भी गया है 22/7 रखने को। ऐसे क्वेश्चंस देखिए आप कितनी जल्दी पढ़ के कितनी जल्दी लगा लेते हो, ये मैटर करता है, ठीक है। आर स्क्वायर 2.8 × 2.8, ठीक है, और हाइट आपको 15 दी गई है, ठीक है। इसको काटो, क्या कर सकते हो, इसको मैं तो दिख रहा है कि ये कटेगा, ठीक है, तो अपॉन का 10 यहाँ पर छूट रहा है, ठीक है। उसके बाद में 7 × 4 मतलब 0.4 आता हो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस 10 से ये 10 कट रहा है, 4 से ये 2 बार जा रहा है, 2 से ये 11 बार जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि एल की वैल्यू 11/28 है और पॉइंट भी है 11/88 याड कर दो 22/30, तो 30.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और फिनिश होते हैं। और अभी देखिए मैं CHSL के और साथ में मेंस के भी एक दो वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। डिस्क्रिप्टिव भी हम लोग कल मैं सोच रहा हूँ कि लेटर फॉर्मेट आपको बता दूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर आते हैं वो किस तरीके से क्या फॉर्मेट होता है, क्योंकि अभी UFM भी लग गया है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरीके के वीडियोज़ को और भी जाके एक्सप्लोर करें। जब मेरी प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो आपको और भी प्यारे प्यारे वीडियोस मिलेंगे, तो उनको भी आप जरूर देखें। टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो जरूर ऐड हो, ठीक है, वहाँ पर मैथ्स के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।